हेलो गाइस, आई एम गोमारा गोमावत। यू आर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस इन फ्यूचर रिलेटेड टू इंग्लिश grammar and English spoken. Let's start right from the basic knowledge of English and consonants, vowels and so on. Let's go. देखो बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो English language है। कौन सी language है? English. English एक language है और हम जो जिस भाषा के साथ जीते हैं, जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं, वो एक क्षेत्रीय भाषा है जिसको हम डायलेक्ट लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हिंदी में क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा। देखो डायलेक्ट लैंग्वेज जिसका हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो डायलेक्ट लैंग्वेज हम सिर्फ स्पोकन करते हैं जिसकी हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। और जो इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हिंदी संस्कृत की तरह, जो कि रिटर्न में भी है और स्पोकन में ही, तो जो इनका स्पोकन जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज और डायलेक्ट लैंग्वेज है वो एक एटमोस्फेयर का निर्माण करता है। और इसके लिए एक जो रिटर्न है वो एक प्रकार से हमें फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, और फॉर्मल एजुकेशन जिसकी स्क्रिप्ट होती है, जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट है, और वो स्क्रिप्ट है रोमन स्क्रिप्ट। ध्यान रखना बच्चों, इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। जिस प्रकार से हिंदी की लिपि होती है देवनागरी है, उसी प्रकार से इंग्लिश की जो लिपि है वो है रोमन स्क्रिप्ट। अब इस रोमन स्क्रिप्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट कितने हैं, जिनको के अलग अलग नाम से अलग अलग पर्टिकुलर हम उसको लेटर्स बोलते हैं। ये लेटर्स ए टू जेड तक जो अल्फाबेट के नाम से जाने जाते हैं, इनके टोटल नंबर्स हैं 26 और इनके दो पार्ट्स। एक है वाउवल्स, ध्यान रखना बच्चों, वाउवल्स जिसको हिंदी में हम स्वर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्वर। और इंग्लिश में इसको कहते हैं वाउवल्स। साउंड का विशेष ध्यान रखना, मैं वीडियोस टीचिंग के साथ साथ में आपको जो शब्द है उसका जो प्रोनंसिएशन है, उस प्रोनंसिएशन को भी व्यवस्थित तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और आप भी उसका प्रोनंस करें, उच्चारण करें। तो इसको वाउवल्स, वोवल्स नहीं, वाउवल्स। वाउवल्स है और कॉन्सोनेंट्स दो पार्ट्स में है हमारे अल्फाबेट इंग्लिश में। अब वोवल्स फाइव है, कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, कौन से? ए ई आई ओ यू। और सेस जो 26, टोटल 26 लेटर्स है जो अल्फाबेट में वर्णमाला में, हिंदी में जो वर्णमाला कहते हैं उसको इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। अब इसमें से 26 में से 5 तो है वोवल्स, उसके बाद में शेष 21 बचे, वो 21 है कॉन्सोनेंट्स। क्या है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब है व्यंजन। अब ये कॉन्सोनेंट्स जिसमें से 26 में से ए ई आई ओ यू निकाल दो, शेष ये सब जो 21 है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ध्यान रखना, एक वोवल है और है जिसको हम सेमी वोवल कहते हैं, यानी आधा वोवल्स, आधा वोवल। अब इसको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इधर देख लीजिए, जैसे माई है। अब ये मात्रा का काम करता है। अब वोवल क्या करते हैं, स्वर क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट के साथ में मिल करके एक उचित शब्द का निर्माण करते हैं। तो जो वाई है वो भी एक तरह का वोवल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है,
इस कारण से इसको हम सेमी वोवल्स कहते हैं, लेकिन इसकी काउंटिंग वोवल में नहीं की जाती है। हाँ यह जरूरी है, इसको सेमी वोवल कहते हैं। जैसे एम है, एम कॉन्सोनेंट है और इसके साथ में वाई मिल करके और माई बन गया, क्या माई है। माई में एम क्या है, कॉन्सोनेंट, और वाई क्या है, वाई एक सेमी वोवल है, मैंने अभी बताया कि सेमी वोवल है। अब ये सेमी वोवल एम एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ में वाई मिलकर के एक एक वर्ड का निर्माण करते हैं, जिसको वन सिलेबल वर्ड कहते हैं। वन सिलेबल वर्ड याद रखना, वन सिलेबल वर्ड, सिलेबल जो मात्रा को शो करता है, जो कि हम हिंदी की बात करें तो वो मात्रा को शो करता है। जैसे क है, ये क है, क के बाद में आ की साउंड, तो का बन गया। अब ये वन सिलेबल वर्ड हो गया का पी, अब ये टू सिलेबल हो गया, लेकिन ये वन सिलेबल वर्ड है, तो का अब ये टू सिलेबल वर्ड हो गया, ठीक। यानी दो मात्रा है, एक ये मात्रा आ की और दूसरी ये मात्रा, दो मात्राओं वाला अक्षर हो गया, शब्द हो गया। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में जैसे एफ ए आई आर, फेयर, फेयर, अ, फेयर, फेयर, यानी एफ कॉन्सोनेंट, उसके बाद में ये वोवल की साउंड आ गई। अब ये हालांकि ये डिफ्थोंग्स है, डिफ्थोंग्स या वोवल और कॉन्सोनेंट जब आगे प्रोनंसिएशन की बात जब आगे हम वीडियोस में देखेंगे तब वहां आपको डिफ्थोंग्स और मोनोथोंग्स के बारे में बताया जाएगा। तो यहां देखो एफ कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ में एक जो है वोवल मिलकर के एक साउंड बनाते हैं प्रोनंसिएशन, और उस प्रकार से इसका उच्चारण होता फेयर, और ये क्या बन गया, वन सिलेबल वर्ड, कितना सिलेबल, यानी एक मात्रा का वाला शब्द। सिलेबल का विशेष ध्यान रखना, सिलेबल और उसके साथ में प्रोनंसिएशन का भी ध्यान, जैसे इसको फेयर नहीं बोलेंगे, फेयर, फेयर वॉक। ठीक उसी प्रकार से मैंने बताया कि वाई एक सेमी वोवल है, इस बात का ध्यान रखना। अब जब लेटर और इसके बाद में लेटर और लेटर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे योर है, पेन है, टेक है, चेयर है, ये शब्द है जो लेटर और लेटर यानी कॉन्सोनेंट और वोवल जो कि एक लेटर की श्रेणी में आते हैं, मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। वो सिलेबल हो, वन सिलेबल हो, टू सिलेबल हो, थ्री सिलेबल हो, जितनी उनकी मात्राएं अधिक होती है उतना वो सिलेबल काउंट किया जाता है, मैंने अभी बताया। अब हम अगर बढ़ते हैं कि लेटर और लेटर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक वर्ड का निर्माण करते हैं, और वर्ड और वर्ड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, सेंटेंस का। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक वाक्य है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सेंटेंस इज अ वर्ड, इज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, कंटेन यानी उसमें क्या होते हैं, कंटेन सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट, सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रीडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट कम से कम होते हैं, और वो प्रीडिकेट और सब्जेक्ट और एंड हैव अ कंप्लीट सेंस, और उनका अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट पार्ट हो और उनका अपना पूर्ण सेंस होता है, उस समूह को हम शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जैसे अमित, अमित गेव मी सम फ्रूट्स, अमित मुझे कुछ, अमित ने मुझे कुछ फल दिए। अब अमित इसमें क्या है बच्चों, अमित इसमें सब्जेक्ट है, अमित क्या है, सब्जेक्ट है, अमित क्या है, सब्जेक्ट, और गेव मी सम फ्रूट्स ये क्या है, वो प्रेडिकेट पार्ट है। अब इसमें प्रेडिकेट पार्ट में भी दो भाग होते हैं, एक वर्ब होती है और बाकी वाला ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें मी एक ऑब्जेक्ट है और एक फ्रूट ऑब्जेक्ट है, फ्रूट्स। अब मी और फ्रूट्स दो ऑब्जेक्ट कैसे, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे,
और डिटेल से समझेंगे। अभी आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं। तो अमित गेव मी सम फ्रूट्स, ये कंप्लीट सेंस देने वाला एक पूरा सेंटेंस बन गया, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी मीन्स प्रेडिकेट। अब सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं कि ही एंड आई रीड बुक। अब ही एंड आई यहां पर दो सब्जेक्ट है और कंजक्शन एंड से जुड़े हुए, तो ही एंड आई क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट के अंतर्गत भी ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया और मिलकर के क्या प्रेडिकेट पार्ट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट मिलकर के ये कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्रा ऑपरेट्स कंप्यूटर, सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में भी ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे द अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी मीन्स पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या कर रही है, अर्थ, यहां सब्जेक्ट कौन है, अर्थ, रिवॉल्व यानी चक्कर लगा रही है किसके चारों ओर, द सन, राउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब ये प्रेडिकेट पार्ट और सब्जेक्ट मिलकर के क्या बना दिया, ये कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस बना। अब इसमें प्रेडिकेट में मैं फिर बता देता हूं, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना दर्शन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब वापस उस सेंटेंस शब्द पे आते हैं। सेंटेंस, एक सेंटेंस को अपन खोल करके देखते हैं, उसके अंदर आए हुए शब्दों की पहचान कैसे करनी, वो भी इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है इसको हम बाद में लेते हैं। जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या होता है, सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता का मतलब होता है विधेय, कर्ता का मतलब क्या होता है, विधेय। वर्ब का मतलब होता है क्रिया या इसको अपन कहते हैं एक्शन, क्या कहते हैं, एक्शन, क्रिया या एक्शन। और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म या उद्देश्य, इस बात का ध्यान रखना है। और देखो बच्चों, अब जो ये भाग होते किसके, सेंटेंस के, अब सेंटेंस के ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये जो होते हैं, इनके भी सब्जेक्ट, अब इसको भी पहचानते हैं कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे, लेकिन सब्जेक्ट होते कौन है, तो ध्यान रखना बच्चों कि सब्जेक्ट जो होता है वो या तो होता है नाउन और या होता है प्रोनाउन। इसकी हम एक एक शब्द की पूरी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अब इस सब्जेक्ट की जाति क्या होती है, ये कौन होते हैं, या तो ये नाउन होता है या क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है, इस बात का ध्यान रखना। और क्रिया ये एक्शन है, ये क्या है, एक्शन है। जैसे मैं अभी राइटिंग का, तो राइटिंग शब्द क्या है, लिखने का काम कर रहा हूं, तो राइटिंग क्या है, एक्शन, वर्ब शब्द है, वर्ब है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं स्पीकिंग कर रहा हूं, तो स्पीकिंग अपने आप में क्या है, एक्शन यानी मीन्स वर्ब है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं वॉकिंग कर रहा हूं, जैसे मैं ये क्या कर रहा हूं, वॉकिंग कर रहा हूं, तो वॉकिंग अपने आप में क्या है, वर्ब है, एक्शन। उसी प्रकार से हम ऑब्जेक्ट की कैसे पहचान करते हैं, क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ध्यान रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन का प्रयोग होता है या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब नाउन और प्रोनाउन,
थोड़ा सा हम इससे आगे डिटेल में चले जाते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बाद में फिर वही सेंटेंस की हम बात करते हैं। ये जो सेंटेंस के अंदर पार्ट है इस पार्ट की हमने चर्चा करी। अब जो सेंटेंस है, जो ये सेंटेंस है, सेंटेंस और सेंटेंस के अंतर्गत क्या होते हैं, ये वर्ड होते हैं, जो वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स की जो नेचर होती है, क्या होती है नेचर, इन वर्ड्स का क्या होता है, जो नेचर होता है वो नेचर और उसका फंक्शन, ये फंक्शन यानी जो ये वर्ड्स है इनका नेचर और इनका फंक्शन, फंक्शन का मतलब इस वर्ड्स का कार्य और इनकी वर्ड्स की पोजीशन की क्या स्थिति है, कौन सी पोजीशन पर है, ये वर्ड सेंटेंस और सेंटेंस के अंतर्गत जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स की नेचर, फंक्शन और पोजीशन, ये तीनों मिलकर के जो एक हमारे ग्रामर का निर्माण करते हैं। किसके है? किसका निर्माण करते हैं, ग्रामर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्रामर बुक का निर्माण करते हैं। और इसी के आधार पर हम उस ग्रामर बुक के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल बाय बाय।